Good morning, class 3rd. Today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is What Did Geeta Eat? Okay, so before we're going to start this chapter, I just want to tell you a little bit about this chapter. Ki is chapter ke andar hai kya? This chapter is all about a girl, a little girl named Geeta. Actually, this chapter ke andar uska morning ka jo routine hai, uthne ke baad वो क्या क्या करती है, इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ेंगे. और चैप्टर के नेम से आपको शायद पता चल रहा होगा कि व्हाट डिड गीता ईट, उसने क्या खाया. तो हम ये पता लगाएंगे कि उसने ब्रेकफास्ट, स्पेशली उसके ब्रेकफास्ट में वो उसने क्या क्या खाया. सो अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर. सो आई वॉन्ट एवरी वन टू कॉन्सेंट्रेट एंड रीड द चैप्टर. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द चैप्टर. फोटोज बहुत क्लियरली आपको विजिबल हो रही हैं. ओके, नाउ आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग. उषा एंड उमा आर हैविंग ब्रेकफास्ट. दे हैव टू गो टू स्कूल. लिटल गीता इज ऑन द बेड. शी थिंक्स शी इज राइडिंग अ हॉर्स, बट इट इज अ पिलो. सडनली गीता स्मेल्स समथिंग. शी गेट्स ऑफ हर हॉर्स एंड रन्स टू द किचन. ओके, तो उषा एंड उमा, आपको दो बच्चे दिख रहे होंगे, थ्री लड़कियां दिख रही हैं आपको फोटोज में. ओके, उषा एंड उमा आर हैविंग द ब्रेकफास्ट. ये गीता की सिस्टर्स हैं दो, उषा और उमा अपना ब्रेकफास्ट कर रही हैं. दे हैव टू गो टू स्कूल, क्योंकि उनको स्कूल जाना है. लिटिल गीता इज ऑन द बेड. जो गीता है सबसे छोटी है, वो भी कहाँ पर है, बेड पर है. सुबह का टाइम है, वो भी बेड पे है, सो रही है. शी थिंक्स शी इज़ राइडिंग अ हॉर्स. अब वो क्या सोच रही है कि वो हॉर्स राइड कर रही है, घोड़ा चला रही है. बट इट इज़ अ पिल्लो. बट वो क्या है, पिल्लो है. पिल्लो क्या होता है, तकिया. मतलब वो छोटी है, एक इमेजिनेशन है उसका कि वो पिल्लो को उसने क्या बना रखा है, हॉर्स बना रखा है, और वो उसको राइड कर रही है. सडनली अचानक से गीता स्मेल्स समथिंग. गीता को किसी चीज़ की स्मेल आती है. शी गेट्स ऑफ हर हॉर्स एंड रन्स टू द किचन. वो अपने हॉर्स से उतरती है, हॉर्स मतलब बेड से, अपने पिल्लो से उतरती है और किचन की तरफ भागती है. ओके, अब नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट स्मेल्स नाइस. मे आई हैव सम टोस्ट, शी आस्क्स अम्मा. अम्मा गिव्स गीता टोस्ट विद जैम. The toast is crunchy and sweet. Geeta loves it. Okay. तो अब उसको स्मेल आई, वो एकदम से बेड से उतर के सीधा किचन की तरफ भागी. That smells nice. May I have some toast? She asked Amma. उसको वो स्मेल बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा nice, बहुत अच्छा है, क्या मुझे भी टोस्ट मिलेगा. She asked Amma. Amma, तमिल में अम्मा मम्मी को, मदर को बोलते हैं, ठीक है. दिस ये एक तमिल फैमिली की स्टोरी है. तो तमिल में, तो जो तमिल के लोग होते हैं तमिलनाडु साइड के, वो जो आप जैसे आप मम्मा बोलते हो, तो वो लोग अब मम्मा को अम्मा बोलते हैं. तो वो अपनी अम्मा से, आई मीन अपनी मम्मा से पूछती है कि दैट स्मेल्स नाइस, मे आई हैव सम टोस्ट, कि ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मुझे एक टोस्ट मिलेगा. अम्मा गिव्स गीता टोस्ट विद जैम. तो अम्मा ने टोस्ट दिया उसको. टोस्ट क्या होता है, ब्रेड, सबको होता है ना, ब्रेड. ब्रेड दिया और जैम पे, जैम लगा के ब्रेड दिया. द टोस्ट इज क्रंची एंड स्वीट. क्रंची होता है ना, कुरकुरा सा, जब आप जैसे उसको बाइट करो, तोड़ो, खाओ, तो आवाज़ आती है ना कर करके, तो क्रंची एंड स्वीट. स्वीट मतलब मीठा. मीठा क्यों थी, क्योंकि उसने जैम लगाया था. गीता लव्स इट. गीता को वो बहुत पसंद आया. नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. उषा एंड उमा हैव फिनिश्ड देयर ब्रेकफास्ट. उषा और उमा, जो उसकी दो सिस्टर्स हैं, जो पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रही थी, आपने फोटो भी दिख रहा होगा, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया. दे पिक अप देयर बैग्स एंड वेव गुड बाय टू गीता. उन्होंने अपने स्कूल बैग्स उठाए और गीता को गुड बाय किया और स्कूल को चली गई, जैसे आपको फोटो में नज़र भी आ रहा होगा. दे गो ऑफ टू स्कूल. ओके, गीता हैज़ फिनिश्ड हर टोस्ट. और गीता ने अपना टोस्ट भी फिनिश कर लिया. अम्मा वाइप्स गीतास स्टिकी फेस. और अम्मा, अम्मा कौन है, मदर. मदर ने उसका फेस, स्टिकी फेस, चिपचिपा फेस क्लीन किया, अच्छे से साफ करा, क्योंकि उसने अभी टोस्ट खाया था, तो वो सारा जैम उसके फेस पे लग गया था. तो उसके अम्मा ने वाइप्स, वाइप मतलब क्लीन किया. गीता गोज बैक टू द बेडरूम. और गीता वापस अपने टोस्ट खा के वापस बेडरूम में चलेगी. हर हॉर्स हैज़ गॉन. इट हैज़ बिकम अ हिल. अप्पा हैज़ मेड हर बेड. ओके,
वो वापस रूम में गई तो उसका जो हॉर्स था, हॉर्स क्या था उसका, पिल्लो, हैज़ गॉन, उसका जो पिल्लो था वो गॉन जा चुका था, इट हैज़ बिकम हिल, अप्पा हैज़ मेड हर बैग, अप्पा मतलब फादर, तमिल में अप्पा को बोलते हैं फादर, और अप्पा ने उसका जो बेड था अच्छे से सेट कर दिया था, इसलिए उसका हॉर्स मतलब पिल्लो जो था वो चला गया, ठीक है। अब आपको इसमें बता रहे लैंग्वेज, शी प्रटेंड्स अम्मा इन तमिल, शी इज़ राइडिंग अ कैमल, हर कैमल इज़ वेरी टॉल, शी प्रटेंड्स अम्मा इन तमिल, शी इज़ राइडिंग अ कैमल, हर कैमल इज़ वेरी टॉल, अप्पा फादर इन तमिल, अभी आपको बताया मैंने, थाथा, थाथा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को बोलते हैं थाथा, द हम्प ऑफ द कैमल इज जस्ट राइट फॉर गीता टू टोल्ड होल्ड, सडनली, सो इसमें आपको इन लाइन में बताया गया है कि तमिल में किसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे शी प्रटेंड अम्मा मदर, मदर इन तमिल, शी राइडिंग अ कैमल, शी इज राइडिंग अ कैमल, वो अपनी मम्मा को ये प्रटेंड कर रही है कि वो क्या राइड कर रही है, कैमल राइड कर रही है, एंड कैमल इज़ वेरी टॉल, और कैमल क्या है, बहुत बड़ा है, अप्पा फादर इन तमिल, अप्पा अभी आपको होता है फादर इन तमिल, थाथा ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, थाथा जो होता है ग्रैंडफादर को बोलते हैं, द हम्प ऑफ द कैमल इज जस्ट राइट फॉर गीता टू होल्ड इन तमिल, ओके। सडनली एक अचानक से गीता हियर्स द साउंड ऑफ अ स्पून टिंकलिंग इन अ ग्लास, अम्मा इज मेकिंग कॉफ़ी फॉर थाथा, सडनली अचानक से गीता को साउंड आती है किसकी, स्पून की, टिंकलिंग इन अ ग्लास, टिंकलिंग होता है जब आप कुछ मिक्स करते हो ग्लास में तो वो आवाज़ होती है उसको टिंकलिंग नॉइज़ कहते हैं, अम्मा इज मेकिंग कॉफ़ी फॉर थाथा, जो अम्मा है वो, थाथा कौन है, ग्रैंड फादर, के लिए क्या बना रही है, कॉफ़ी, गीता जम्प्स ऑफ हर कैमल, अपने कैमल से उतरती हैं, राइडिंग अ कैमल इज़ हार्ड वर्क सो शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क, शी रन्स टू द किचन अगेन, सो कैमल राइड करके वो थक गई और वो उतरते ही एकदम से कहाँ भागी, किचन की तरफ, आई वॉन्ट सम मिल्क अम्मा एंड मे आई हैव अ लिटल कॉफ़ी इन माई मिल्क, गीता आज किचन में भागी और अपनी अम्मा को बोला उसने कि आई वॉन्ट सम मिल्क, मुझे दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट सम कॉफ़ी इन इट, और मैं चाहती हूँ कि आप दूध के अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी भी डाल दो, ऑल राइट सेज अम्मा, अम्मा ने मैं कहा ओके ठीक है, सो गीता गेट्स अ कप ऑफ मिल्क विद अ ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी इन इट, शी ड्रिंक्स इट अप क्विकली, और उसकी अम्मा ने उसको कॉफ़ी दूध दिया, दूध के अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डालकर उसको दे दी, एंड शी ड्रिंक्स इट अप क्विकली, और उसने जल्दी से वो पी ली, देयर इज सम मिल्क अराउंड हर माउथ, थोड़ा जैसे जब आप दूध पीते हो तो आपके ऐसे होठों के ऊपर लग जाता है ना, वैसे उसके भी माउथ के ऊपर थोड़ा सा मिल्क लग गया, इट लुक्स लाइक अ मोस्टैश, मोस्टैश होता है मूछे, अम्मा वाइप्स इट ऑफ, फिर अम्मा ने उसकी मदर ने उसको साफ किया, वाइप कर दिया, सून इट इज़ टाइम फॉर अप्पा टू लीव फॉर ऑफिस, और थोड़ा टाइम बाद अप्पा मतलब फादर का भी टाइम हो गया था ऑफिस जाने का, आपको फ़ोटो में नज़र भी आ रहा होगा ऊपर वाली फ़ोटो में, अम्मा गिव्स हिम ब्रेकफास्ट, और अम्मा ने अम्मा जो गीता की मदर है उन्होंने अप्पा को ब्रेकफास्ट दिया, गीता गोज एंड सिट्स इन द चेयर नेक्स्ट टू अप्पा, और गीता भाग कर फिर से अप्पा के साथ साथ वाली चेयर में जाके बैठ गई, जैसे आपको फ़ोटो में भी दिख रहा है, मे आई ऑल्सो हैव इडली अम्मा, फिर वो क्या मांगती है कि मे आई ऑल्सो हैव इडली, क्या मुझे भी इडली मिलेगी अम्मा, अम्मा गिव्स गीता एंड इडली, और अम्मा ने गीता को इडली दी, अप्पा ईट्स थ्री इडलीज क्विकली एंड लीव्स फॉर ऑफिस, अप्पा मीन्स फादर ने जल्दी से इडली खाई, थ्री इडलीज खाई और ऑफिस के लिए चले गए, गीता ईट्स हर इडली विद द लिटल हनी, जो गीता सब एक ही इडली खा रही थी वो भी किसके साथ, हनी के साथ, शहद के साथ, शी पुशेज द चेयर फॉरवर्ड्स एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज़ अ ट्रेन, तो जैसे उसने इडली खाई जल्दी से, तो उसने चेयर, जैसे आपको नीचे वाली फोटो में दिख रहा होगा, उसने चेयर को पुश किया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता आगे की तरफ, एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब कि एज्यूम करना, किसी चीज़ को सोचना कि ये चीज़ वो है, एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज़ अ ट्रेन, और उसको क्या प्रिटेंड किया, क्या सोच रही थी, क्या है वो ट्रेन है, जैसे आपको दिख रहा है नीचे वाली फोटो में, उसने अपने आगे ट्रेन पकड़ी हुई है, द ट्रेन गो छुक 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 छुक, गीताज ट्रेन इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ पार्टी,
और गीता ने वो चेयर को लेकर वो कहाँ जाके रुक गई, इन फ्रंट ऑफ पाटी। पाटी इज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को हम तमिल में पाटी बोलते हैं। ओके, जैसे आपको नीचे फोटो में भी दिख रहा होगा कि वो चेयर लेकर छुक 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 करती हुई अपनी ग्रैंड मदर के आगे आ गई है। पाटी छुक 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 छुक, पाटी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो पाटी जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है। गीता, आर यू राइडिंग अ ट्रेन, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, पाटी आस्क गीता। तो उसकी ग्रैंड मदर मतलब पाटी ने गीता से पूछा, गीता क्या तुम ट्रेन चला रही हो, आर यू राइडिंग अ ट्रेन, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। नो, सेज गीता, उमा एंड हुषा हैड ब्रेकफास्ट, अप्पा छुक 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 हैड ब्रेकफास्ट। तो उसने कहा नो, मैंने नहीं किया, उमा एंड उषा ने किया। उमा और उषा उसकी सिस्टर्स जो सुबह जब जिनके साथ उसने सबसे पहले टोस्ट खाया था, उन्होंने ब्रेक मतलब वो कह रही कि नहीं मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, उमा और उषा ने किया और अप्पा ने किया। फिर उसने कहा छुक 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 छुक, फिर उसने बोला आई हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नहीं किया ब्रेकफास्ट। गीता देन आस्क्ड हर ट्रेन टू अम्मा, गीता देन टेक्स हर ट्रेन टू अम्मा। फिर वो अपनी ट्रेन को लेके कहाँ चलेगी, अपनी अम्मा के पास, अम्मा मतलब मदर के पास, अम्मा। सेज गीता, गीता ने अपनी अम्मा को आवाज़ लगाई, आई हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट येट, प्लीज़ गिव मी सम। वो कहती मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो ये चैप्टर में सब इतना ही था। सो इट्स अ वेरी क्यूट चैप्टर, छोटी सी बच्ची के ऊपर है जिसको जो सुबह 3 या 4 बार वो ब्रेकफास्ट कर भी चुकी है, बट स्टिल उसने आँख बाद में फिर अपनी मम्मा से ब्रेकफास्ट मांगा। पहले उसने अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ, उषा और उमा के साथ ब्रेकफास्ट किया मतलब टोस्ट खाया, फिर उसने अपने दादाजी के साथ ग्रैंडफादर के साथ कॉफ़ी पी, ठीक है, फिर उसने अपने फादर के साथ इडली खाई, ठीक है। और उसके बाद जब उनकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उसने कहा नो, मैंने नहीं किया, अभी नहीं किया। तो फिर वो जाके अपनी अम्मा को बोलती है कि अम्मा आई डेंट आए, फिर वो अपने अम्मा जाके बोल अम्मा के पास जाके क्या बोलती है कि अम्मा आई हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, प्लीज़ गिव मी सम, प्लीज़ मुझे कुछ खाने की को दीजिए। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4, ओके। You have to go through this chapter thoroughly, and this is a very sweet and very cute chapter, और बहुत easy भी और बहुत simple भी है। Okay class, thank you so much.